So hello students, welcome to Dixant Sir Vitek. I am Asis Singh, our science teacher, and we are going to study about the third part of your chapter, which name is light. And we already studied about the two parts, part one and part two, and more parts will be coming soon because this chapter is very interesting and also too long because so many topics we have to cover in this chapter. So, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको बताया कि हमारा थर्ड पार्ट है और हम लोग अपने पार्ट वन और पार्ट टू को ऑलरेडी इस चैप्टर के पार्ट वन और पार्ट टू को हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर कर चुके हैं जो कि हमारा बेसिक भी था, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था. और लास्ट जो हमारा पार्ट टू था, उस पार्ट टू में हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे थे जिसमें आपको याद दिलाते हैं, आपको रिमाइंड कर देते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे अपने प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, जिसमें आपको हम पॉइंट साइज इमेज और एक टोटल लेंथ का भी इमेज, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक लेंथ ऑब्जेक्ट के इमेज को बना कर दिखाए थे. और उस ऑब्जेक्ट के इमेज को दिखाने के बाद आपको हम उस प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से भी रूबरू कराए थे कि आपके प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होता है. ठीक है, उसके बाद आप बताए थे कि लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, जो बेसिकली हमारे प्लेन मिरर के ही इमेज के प्रॉपर्टी का एक पार्ट है. उसके बाद आपको बताए थे हम कि आपके स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताए थे. आज हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट को, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ही पार्ट को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चल रहे हैं और बात करेंगे कि उस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके उस पार्ट को हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो आइए, जरा आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधे अपने कंटेंट में चलते हैं. और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, यानी ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. ठीक है, ओके, लेट मी फिक्स इट. ओके, नाउ स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर के क्या होते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच द मिरर इज ए पार्ट. जैसे कि आपको हम बताए थे, ठीक है, आपको पता है और आपको बताए थे चूंकि हम कि आपके पास ये अगर एक कॉनकेव मिरर है, ये अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, या ये अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये होते किसके पार्ट हैं, आपके एक ग्लास से बने हुए हॉलो स्फीयर के ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये ग्लास से बने हुए हॉलो स्फीयर के ही क्या क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. और आप भी जानते हो कि हमारे स्फीयर के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है. स्फीयर के पास क्या होता है, सेंटर होता है. उस सेंटर और हमारे आउटर बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. ठीक है, और ये डबल रेडियस जो होता है वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है. ये क्या हो गया, हमारा डायमीटर बन गया. ठीक है, अब चूंकि ये हमारा कॉनकेव मिरर है या ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये भी हमारा एक पार्ट है और ये भी हमारा एक पार्ट है. तो ये जो पार्ट है ये आपका राइट साइड का पार्ट है, ये समझ लो. ये जो कॉनकेव मिरर है ये राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट है. तो इसमें आपका सेंटर किधर पाया जाएगा, इस कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा. ठीक है, तो देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अगर इसको हम पूरा बना दे तो हमारा ये स्फीयर ही बनेगा. लेकिन हमको कंप्लीट स्फीयर से मतलब नहीं है, हमको कंप्लीट स्फीयर से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, अपने सिर्फ मिरर से मतलब है. तो हमको सिर्फ मिरर से मतलब है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कंप्लीट स्फीयर रहता तो उसके बीच में कहीं सेंटर होता. हमने अपने बाकी स्फीयर के पार्ट को हटा के सिर्फ अपना मिरर रखा, तो सेंटर तो आपका ही ना हटेगा, सेंटर तो अपनी जगह पे होगा. सेंटर तो क्या होगा, अपनी जगह पे होगा. तो ये जो पॉइंट है आपका, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया कैसे, तो ये जो मिरर हमारा है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, अब वही सेंटर जो है, वही सेंटर जो हमारे इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. क्लियर है, ठीक है. अब समझिए कि जो हमारा सेंटर कंप्लीट स्फीयर का था, तो उस कंप्लीट स्फीयर के सेंटर और उसके सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं. तो अब वही हमारा ये जो मिरर है वो हमारे स्फीयर के आउटर बाउंड्री का एक पार्ट है. तो इस मिरर और इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो गया रेडियस, रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. कोई दिक्कत इसमें. अब देखिए,
ये जो है हमारा मिरर है, ये क्या है हमारा कंप्लीट मिरर है। तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो लेंथ होगा, यानी कि अगर ये मिरर है मान लीजिए एम और एम डैश, तो इस मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इनवर्ड पार्ट, इस इनवर्ड पार्ट का जो लेंथ होगा, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे, अपर्चर। ठीक है, अब ये जो मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होगा, यानी इस अपर्चर का जो सेंटर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, समझिएगा, ये सेंटर, सेंटर किस चीज का, एक आपका कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर है, जिस कंप्लीट स्फीयर का हमारा ये मिरर एक पार्ट है, उस कंप्लीट स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो हमारा कंप्लीट स्फीयर था, उस कंप्लीट स्फीयर का जो रेडियस था, इस रेडियस को हम लोग इस मिरर का क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, सिर्फ इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट के लेंथ को हम लोग अपर्चर बोलेंगे, और इस पूरे मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इस मिरर के अपर्चर के सेंटर को, मिरर के बॉडी के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के परपेंडिकुलर एक लाइन जो होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के परपेंडिकुलर एक लाइन जो होगा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस लाइन का रोल क्या है सर? तो इस लाइन का रोल ये है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, या इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे ही आपके उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो फ्रेश एक आपको दिखाएंगे हम फ्रेशली तरीके से, कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब इस पोल और सेंटर से होते हुए जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपका, देखिए यहाँ पे हम इस ब्रोकन लाइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वर्चुअल साइड है। ये कौन सा साइड है, ये वर्चुअल साइड है। वर्चुअल साइड की प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। इसको कहीं मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे जहां से हम लोग साइड को डिफरेंशिएट कर सके। ये है वर्चुअल साइड और ये हो गया रियल साइड। अब देखो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का ये आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है, कहाँ, पोल और सेंटर के बीच से होते हुए जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका नाम दे दो एक्स और वाई। तो ये जो एक्स और वाई है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस का काम क्या है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका बनेगा। ठीक है सर, बार बार ऊपर या नीचे क्यों बोल रहे हो? तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं, तो हो सकता है कि उसका इमेज वर्चुअल बन जाए, या हो सकता है उसका इमेज रियल बन जाए। तो अगर उसका इमेज वर्चुअल बनता है, तब तो आपको बिहाइंड द मिरर बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। अगर उसका आपका इमेज नीचे बनता है, यानी कि रियल बनता है, तो आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम जहाँ प्लेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इमेज बनेगा। हमारे हाथ में नहीं है कि इमेज हम कहीं भी बना देंगे। ये डिपेंड करता है कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर उस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए हो, किस प्रकार से। तो जहाँ प्लेस किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग रियल बन सकता है और वर्चुअल बन सकता है। तो अगर रियल बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो अब आप यहां पे समझ लिए कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये चार चीज आप लोग समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, एज ए नोट्स को आप लिख भी सकते हो अपने नोट्स में, ये आपकी सारी चीज का डेफिनेशन क्या होता है, कहते हैं किसको है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द फ्रंट ऑफ इट, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इन बिहाइंड इट। ठीक है, इसको समझाते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आपका बताए भी थे आपको ऐसे, कि ये अगर आपके पास एक स्फीयर है, इसको हम दो पार्ट करते हैं, तो राइट साइड वाला पार्ट हमारा कॉनकेव बनेगा और लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारा कॉन्वेक्स बनेगा, और आपका सेंटर होता है बीच में। तो सेंटर होता है बीच में, तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, ये आपके कॉनकेव मिरर के पहले ही बन जाएगा, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ही होगा, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ही होगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होगा हमारा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होगा। एंड पीछे कहने का मतलब क्या, कि लाइट तो इधर
नहीं से ना आएगा, लाइट तो आपके इधर से आके टकराएगा, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, सेंटर होगा, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि आपका जो सेंटर है कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, जो सेंटर आपका कॉनकेव मिरर का है वो कॉनकेव मिरर के पहले ही है, यानी फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है, और जो सेंटर कॉन्वेक्स मिरर का है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड है, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे है, कॉन्वेक्स मिरर के राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, या इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, या आप इसमें से किसी भी लाइन को याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हमको जानना है कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, या कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस जान लिए तो फोकल लेंथ क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम आपको अपने खुद तरीके से बताएंगे, अपने से ड्राइंग करके आपको समझाएंगे, डायग्राम बना के दिखाएंगे, और उसके बाद आपको हम इसके थ्रू आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है बाबू? कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो कॉनकेव मिरर के पास एक आपका प्रॉपर्टी होता है कि कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग बॉडी पे जितने भी आपके पैरेलल इंसिडेंट रेज आते हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज किसके पैरेलल सर, तो टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे जितने भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रेज आते हैं, उन सारे इंसिडेंट रेज को ये कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करा देता है एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है, कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, उन सारे आपके पैरेलल लाइट रे को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करा देगा, और उसी सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए प्रिंसिपल फोकस आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम है क्या, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी इंसिडेंट लाइट रे जाते हैं वो सारे इंसिडेंट लाइट रे को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पे डाल देता है। इसके कारण हम कॉनकेव मिरर को क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझेंगे कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर का पोल हुआ। ठीक है, और ये कॉनकेव मिरर का मान लीजिए सेंटर है। ये क्या है, सेंटर है। हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया बार बार। अब इसको हम नहीं बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया y। अब आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है इसके इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है हम इंसिडेंट लाइट रे को गुजारेंगे, और या इंसिडेंट लाइट रे को स्ट्राइक कराएंगे, और स्ट्राइक करने के बाद ये चेक करेंगे ये किस पॉइंट से या किस जगह से आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये आई वन हो गया, ये आई वन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया एक पॉइंट से, ये I2 है। ठीक है, ये हो गया I2, ये भी आपका उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये I3 है, ये क्या है I3, ये भी आपका उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो गया, और ये I4 है I4। ठीक है, ये भी आपका उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये I1, I2, I3 और I4, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप इस I1 को चेक करो, इस I2 को चेक करो, इस I3 को चेक करो, इस I4 को चेक करो, इस प्रिंसिपल एक्सिस को चेक करो, तो आप देखोगे क्या कि I1 जो है ये पैरेलल है I2 के, I2 पैरेलल है I3 के, I3 पैरेलल है I4 के, और ये चारों पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये चारों किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब समझिए, तो ये जितने भी आपके पास इंसिडेंट लाइट रेज हैं I1, I2, I3, I4, जब ये मिरर से जाके स्ट्राइक हुए हैं, और स्ट्राइक होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एफ लिखेंगे, कैपिटल एफ में लिखेंगे, और इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस।
अब देखिए जितने भी आपके इंसिडेंट लाइट रे हैं उसको एक ही पॉइंट पे क्या किया है, डाल दिया है, कन्वर्ज करा दिया है। इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। और ये प्रिंसिपल फोकस जो बना है, ये प्रिंसिपल फोकस किधर बना है, ये प्रिंसिपल फोकस किधर बना है, ये आपके प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ये हमारे कॉनकेव मिरर के पहले बना है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बना है, यानी कि किस साइड में बना है, तो रियल साइड में बना है, रियल साइड। इसका मतलब कि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, इस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। एफ कैसा होता है, रियल होता है। एफ कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को तो प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, अब इस पॉइंट, इस पॉइंट और हमारे पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट का और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है पी और एफ के बीच का, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। और ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझना, ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकल लेंथ, ये क्या है, फोकल लेंथ, ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये एक फोकल लेंथ और एक फोकल लेंथ, जब दो फोकल लेंथ जुड़ते हैं तो हमारा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। कहने का मतलब कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है ये मैथमेटिकली हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही आधा होता है। जो हमारे कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसी के आधा कौन होगा, फोकल लेंथ होगा। या इसको आप उल्टा भी कह सकते हो, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपके फोकल लेंथ के क्या होता है, दोगुना होता है। इसको आप न्यूमेरिकल्स में एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि f is equal to r by 2 या r is equal to 2f, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग क्यों होता है, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब देख पा रहे हो कि ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से आपका पैरेलल लाइट रे जाके इंसिडेंट हो रहा है। ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री, ये रहा आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री, ये आई फोर। अब ये चारों गए, गए टकरा के वापस आ रहे हैं, गए टकरा के वापस आ रहे हैं, गए टकरा के वापस आ रहे हैं, गए टकरा के वापस आ रहे हैं। और ये चारों का आर देखो, ये हमारा आई वन गया आर वन बन गया, ये हमारा आई टू गया आर टू बन गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये हमारा आर थ्री, आई थ्री गया आर थ्री बन गया, और ये आई फोर गया आर फोर बन गया। अब ये जितने भी हमारे आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किए हैं, डेट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब ये फोकस और हमारा जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये जितना फोकल लेंथ होगा उतना ही हमारा उसका दोगुना हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। एक फोकल लेंथ और उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक फोकल लेंथ, तो दो फोकल लेंथ के बराबर हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद हमको समझना है कि कॉन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का आपका प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलने का कारण होता है कि कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में जितने भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आते हैं वो इंसिडेंट लाइट रेज रियल साइड में क्या करते हैं, बिखर जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। रियल साइड में वो क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और वही आपके डाइवर्ज होते हैं, इसी कारण से कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। इनफैक्ट सिर्फ पैरेलल लाइट रे ही आपके इंसिडेंट होने, स्ट्राइक होने के बाद ये डाइवर्ज नहीं होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पे जो भी आपका लाइट जाके पड़ता है तो डाइवर्ज हो जाता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो अगर डाइवर्ज हो जाता है तो फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे पता करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस तो वो पॉइंट था ना कि जहां पे सारे लाइट रे कन्वर्ज होकर मीट करते हो।
तो अगर रियल साइड में हमारे कन्वेक्स मिरर सारे लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है, तो वो सारे डाइवर्जिंग रेज जो होते हैं वो वर्चुअल साइड में जाके ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इससे पहले आपको हम यही बताए थे कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, इस कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब वर्चुअल साइड में होता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर के कंपेयर में, कन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में जो सेंटर होता है हमारा, वो किधर होता है, राइट साइड में होता है। और राइट साइड को हम लोग वर्चुअल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंसिडेंट लाइट रे हैं वो फ्रंट से यानी कि आपका लेफ्ट से आते हैं, और इंसिडेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन से आते हैं उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन वर्चुअल होता है, और इंसिडेंट लाइट रे वाला डायरेक्शन जो होता है वो रियल होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपके पास, एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो ये हमारा जो साइड होगा ये कौन सा साइड होगा, वर्चुअल साइड होगा। ठीक है, वर्चुअल साइड क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा लाइट रे अब इस कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट से आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट से आएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर। ये पोल और सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन कौन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कौन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो मान लो, ध्यान से देखते रहिएगा, ये मान लीजिए कि आपका पहला इंसिडेंट आई वन है, ये आपका गया आई वन, आई वन गया। ठीक है, आई वन गया, चूंकि ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है तो ये आई वन क्या हो जाएगा, आपका दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया, ये बन गया आर। ठीक है, ये एक और गया आई टू, ये एक और गया कौन, आई टू, ये आई टू गया, ये भी क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ये भी क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। ठीक है, फिर आपका एक आई थ्री गया, फिर सपोज कीजिए क्या गया आपका आई थ्री, आई थ्री गया, ये भी क्या कर गया आपका, डाइवर्ज कर गया। ये एक आपका आर फोर गया, आई फोर गया, ये भी क्या कर गया आपका, डाइवर्ज कर गया। ये बन गया आर थ्री और ये बन गया आर फोर। अब ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, जो भी आपका पैरेलल लाइट रे जा रहा है उसको वो क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। किस साइड में, तो रियल साइड में। ये कौन सा साइड है, रियल साइड। अब आप लोग क्या करो कि जितनी भी रियल साइड में डाइवर्जिंग रेज हैं या रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको आप लोग वर्चुअल साइड में क्या करो, पीछे की तरफ लेके आओ। ठीक है, पीछे की तरफ लेके आओ। जब आप इसको पीछे की तरफ लेके आओगे तो पाओगे क्या, ये सारे आपके इंसिडेंट लाइट जो हैं वो एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर था, तो कन्वेक्स मिरर का सेंटर भी आपका कहाँ था, सेंटर भी आपका ये वर्चुअल में ही था। अब कन्वेक्स मिरर का फोकस भी कहाँ हो गया, वर्चुअल में ही हो गया, और पोल और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अब हमारा ये जो प्रिंसिपल फोकस है या ये जो हमारा फोकल लेंथ है, सेंटर है, रेडियस है, ये सब कुछ कहाँ चला गया, वर्चुअल में चला गया। यानी कि कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है या कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है यानी कि प्रिंसिपल फोकस होता है, ये चारों चीज आपके किस डायरेक्शन में होते हैं, वर्चुअल डायरेक्शन में होते हैं। किस डायरेक्शन में होते हैं, वर्चुअल यानी कि आपके इस कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होते हैं, कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होते हैं, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो कन्वेक्स मिरर था वो रियल साइड में सारे पैरेलल लाइट को क्या किया था, डाइवर्ज किया था, लेकिन ये सारे जहां पे मीट करेंगे वही फोकस बनेगा। तो ये आपका ऐसा अपीयर हुआ, ओरिजिनली जाके मीट नहीं करते हैं, ऐसा लगा, इमेजिन हुआ, ऐसा अपीयर हो गया कि आपके ये मिरर के पीछे एक पॉइंट है जहां पे जाके सभी क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तब यहां से आप रिलेट कर सकते हो कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो वर्चुअल साइड में होता है, यानी कि वर्चुअल होता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर होता है। लेकिन जो हमारे कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, सेंटर होता है या रेडियस होता है, वो हमारे कॉनकेव मिरर के फ्रंट में होता है, यानी कि रियल होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहां से आपने देखा कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये आपका एक टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी आपको बताया भी था कनकेव वाले केस में कि हमारे स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ होता है इसमें क्या रिलेशन होता है, तो आपको बता दिए थे कि जो फोकल लेंथ होता है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या जो आपका रेडियस होता है ये आपके फोकल लेंथ का क्या होता है, दुगना होता है। और ये जो केस है ये दोनों मिरर के लिए अप्लीकेबल होता है, कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। चलिए अब हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं, अब हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं, उस मोमेंट पे आ गए हैं कि जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके और प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन करा रहे थे, अब हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके और उस स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज जो है वो किस प्रकार से बन रहा है, कैसे वेरीज कर रहा है, कैसे डिफर कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये समझना है कि स्फेरिकल मिरर के सामने जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा तो उस इमेज को बनाने के लिए हमको किस किस रूल को फॉलो करना होगा, यानी कि हम लोग अब खुद से डायग्राम के थ्रू जो ये स्फेरिकल मिरर के सामने रखे गए ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाएंगे तो वो इमेज हम लोग किस रूल के थ्रू बनाएंगे, कौन सा ऐसा रूल है जिसको फॉलो करके वो इमेज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो इमेज किस किस रूल को फॉलो करते हुए बनता है। तो रूल नंबर वन, सबसे पहला रूल नंबर वन है हमारा कि अगर कोई लाइट रे यानी इंसिडेंट लाइट रे, कोई लाइट रे का मतलब इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, आके इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आपका रिफ्लेक्ट होके कंफर्म होगी किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। हमारा रूल नंबर वन था जो कि आपको हम प्रिंसिपल फोकस जब पढ़ा रहे थे उस वक्त बताए भी थे और दिखाए भी थे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके क्या होती है, इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद वो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी, किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट लाइट रे, गई जाकर टकराई कॉनकेव से और कॉनकेव से जाकर टकराई तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर किससे ही पास करेगी, फिक्स से, फोकस से पास करेगी। ये हमारा रूल नंबर वन था। ठीक है, अब चलो रूल नंबर टू पे देखते हो क्या है, रूल नंबर टू ये कहता है कि कोई अगर इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से आपका आ रही है कि वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और तब जाके किससे टकरा रही है, मिरर से टकरा रही है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जा रही है और जाने के बाद अपने मिरर से टकरा रही है तो आपका रूल ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई इंसिडेंट लाइट रे जाएगी तो जाएगी फिर टकराएगी और टकराने के बाद फिर वापस उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज ओनली फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई आपका इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जा रही है तो गई और जाने के बाद मिरर से टकराई और टकराने के बाद फिर उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये रूल नंबर हमारा टू था, इसको हम रूल नंबर टू कहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात समझेंगे अब रूल नंबर थ्री को, रूल नंबर थ्री क्या होता है। चलिए तो रूल नंबर थ्री क्या, इसको समझते हैं कि अगर कोई आपका इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से है कि अब वो ना ही पैरेलल है ना ही आपका सी से पास कर रही है, वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास कर रही है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उसी से वो इंसिडेंट लाइट रे क्या कर रही है, पास कर रही है। तो अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी जाकर टकराएगी आप हमारे मिरर से तो मिरर से टकराने के बाद फिर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन जाएगी, पैरेलल, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल फोकस को पास करते हुए गई जाने के बाद हमारे मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद फिर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो रूल नंबर वन था ना, तो उस रूल नंबर वन का क्या है, अपोजिट है। रूल नंबर वन में हम क्या बोले थे आपको कि कोई आपका इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई जाके कॉनकेव मिरर से टकराई और टकराने के बाद फोकस से पास कर गई। अब इसका उल्टा करो कि अब कोई इंसिडेंट लाइट रे सीधे फोकस से ही पास की तो फोकस से पास करके गई और हमारे कॉनकेव मिरर से टकराई और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक
ठीक है। तो रूल नंबर वन में ये था कि पैरेलल थी, पैरेलल पहले थी और टकराने के बाद कहाँ फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हुई। और रूल नंबर आपका थ्री में ये है कि अब पहले फोकस से पास होकर जा रही है और आपका टकराने के बाद क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर वन और रूल नंबर टू जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, रूल नंबर थ्री। अब है रूल नंबर फोर, यानी कि लास्ट रूल जो है हमारा इमेज के फॉर्मेशन का, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ये क्या है समझिए। तो रूल नंबर हमारा फोर है जो कि हमारा यूनिवर्सल रूल है, हम लोग रिफ्लेक्शन में भी इसको एज ए लॉ पढ़े हुए थे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे ना ही सी से पास हो रही है, ना ही एफ से पास हो रही है, ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो सीधे आपका जाके क्या कर रही है, ये पोल पे स्ट्राइक कर रही है, वो आपका इस प्रकार से आ रही है कि वो कॉनकेव मिरर का जो पोल है उस पोल पे जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो इस कॉनकेव मिरर पे के पोल पे जाके जो स्ट्राइक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, यानी इंसिडेंट एंगल जितना बनाएगी, उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस एज ए नॉर्मल वर्क करेगा, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के और इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी एंगल के इक्वल हो क्या होगा आपका, दूसरे एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो चौथा हमारा रूल है ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर का ही क्या है, कॉपी है, कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रेज गई जाके पोल से टकराई तो पोल से टकराने के बाद जितना एंगल पे जाकर टकराएगी उतना ही एंगल से क्या हो जाएगी आपका, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चार रूल्स हैं। अब इस चार रूल्स को फॉलो करके हम लोग वन बाई वन कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करेंगे, हम अपने कॉनकेव मिरर के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब जाके हम लोग अपने इस पार्ट थ्री को भी क्या किए, कंप्लीट किए, और पार्ट थ्री में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो पार्ट थ्री में आपको हम बता दें कि हम लोग बात किए थे कि हमारा स्फेरिकल मिरर जो है, वेट लेट मी चेंज दिस कलर, हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस क्या होता है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर में आपका पोल क्या होता है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये बात किए थे, ठीक है, आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम बात किए थे कि आपका कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, और इनफैक्ट सिर्फ कॉनकेव का ही नहीं, हम लोग बात कॉन्वेक्स का भी किए थे, कॉन्वेक्स मिरर का भी किए थे कि कॉन्वेक्स मिरर का भी आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। उसके बाद बात किए थे कि आपका रिलेशन क्या होता है, किससे किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन किस मिरर का इमेज फॉर्मेशन बाबू, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो उस इमेज को बनाने के लिए जो भी हमारे रूल्स होंगे वो क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग पार्ट थ्री में अपने क्या किए, कंप्लीट किए। अब जो हमारा पार्ट फोर आने वाला है या आएगा, इस पार्ट फोर में हम लोग अब इस रूल की हेल्प को लेके और हम लोग कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज जो है वो कैसे वेरीज कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख रहे हैं तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा इमेज जो है कैसे वेरीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे, फिर हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से अपने कंसेप्ट को, इस चैप्टर के कंसेप्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग अपने लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे या आपके कुछ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, आप वैसे ही मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए।